नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, और जो कल हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे उनके आज आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपने करंट अफेयर्स के पेज की तरफ बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर वॉइस। तो एक ही मोटिवेशनल चीज है कि आप एक जो भी अपना हार्ड वर्क करते हो वो साइलेंस में कीजिए। मतलब आप जब भी कोई काम की शुरुआत करते हो ना, तो पहले उसका गांव में हमें किसी भी गांव में हो गया पूरे शहर में ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि अगर हम जो कोई काम करते हैं उसका ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं, और अगर अगर हम उसमें ढिंडोरा पीटने में लग गए तो उसकी काम की तरफ ध्यान कम देके और हम उसको क्या है खबर फैलाने में ज्यादा लग जाते हैं। उससे क्या हमारा जो काम के प्रति जो एक जो रुचि होती है ना वो कम हो जाती है। और कभी कभी क्या है कि कुछ असफलता भी किसी काम में जब करते हैं ना तो मिल जाती है ना, तो फिर हमारा मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको हजारों लोग मिल जाएंगे उसको आपको आपके मनोबल को आपको डिमोटिवेट करने में और आपको मनोबल गिराने में। तो अगर हम काम करते हैं तो असफलताओं से पहले बात तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम करता है वही असफल होता है। तो अगर हम कोई काम करते हैं तो पहले आप उसे चुपचाप कीजिए। अगर आप असफल भी हो जाते हो ना तो वो चीज़ आपको ही पता है कि आपके साथ ये हुआ है, फिर आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कि मैं अब क्या इसको और ज़्यादा करके दिखाऊंगा। फिर अपने आप में आप मोटिवेट होना शुरू कीजिए। कभी भी असफल हो जाते हो ना तो आपको असफल होकर निराश होकर कभी नहीं बैठना। जो एक कवि भी कविता भी है दिनकर जी की, नर हो ना निराश करो मन को, कि तुम नर हो निराश मत करो मन को यार। तो आपको निराश नहीं करना अपने मन को, और जो असफलता पाई है फिर उसको सफलता में बदलना है। तो अगर आप साइलेंस में काम करोगे तो आप सबसे पहले बात तो अगर आप चुपचाप रह के काम करोगे और अपने तक ही बात सीमित रखोगे ना, तो हमेशा आप नेगेटिव एनर्जी होती है और नेगेटिव जो मेंस होते हैं ना उनसे दूर रहोगे। तो कोशिश करना कि साइलेंस में काम करो, और जब आप चुपचाप काम करोगे साइलेंस, किसी से बताओगे नहीं, ये आप एक काम में लगे हो अपने लक्ष्य में लगे हो, और जब अचानक वो मतलब चीज़ आपको सामने निकल के आएगी, जो रिजल्ट आएगा ना, तो लोग सारे अचंभे के साथ हो जाएंगे। तो कभी भी असफलताओं से डरना नहीं है, असफलता ही एक सफलता की एक सीढ़ी होती है, ठीक है। असफलता के अंदर ही आपको देखना सफलता छिपी हुई है। तो ए को आप साइलेंट कीजिए, आप सफल हो। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप हमेशा काम साइलेंस में कीजिए, और आपकी वॉइस तो होनी चाहिए, कि आपकी सफलता आपकी वॉइस होनी चाहिए, कि आप जब पूरा ढोल नगाड़े बजने चाहिए दोस्तों। तो यही है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस, ठीक है। तो आज के पहले हम पेज की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो कल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो इंडियन आर्मी ने जो कारगिल लड़ाई के समय जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था विजय, ठीक है, एक तो याद रख लेना। और इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था सफेद सागर। तो ये ऑपरेशन दोनों याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो फोर्थ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो हरियाणा होस्ट कर रहा है, ये भी आपको पता है। और जो यूएन ने भी 26 रिपोर्ट जारी की थी एनालिटिक्स सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम ने, कि जो एक आईएसआईएस की ब्रांच जो कि हमारे जो बांग्लादेश भारत म्यांमार में अभी एक्टिव है उसका नाम क्या है, तो विलाय हिंद मतलब प्रोविंस ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम है इंडियन प्रोविंस के नाम पे वो ब्रांच एक्टिव है। फोर्थ क्वेश्चन था, जो अभी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में थोड़ी खटास होने लग गई है उसके चलते हुए, तो अभी भारत के जो जितने भी जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं वो क्या है बांग्लादेश उन पर ध्यान नहीं दे रहा है और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। तो अभी क्या है, एक सहलत जो एरिया है बांग्लादेश का उसमें एक चाइनीज कंपनी को एक जो एयरपोर्ट टर्मिनल है वो बनाने के लिए दिया गया था। तो ये पूछा था कौन सी कंपनी है, तो वो है बीजिंग अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप, उसको वो अभी एयरपोर्ट बना रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, अभी रशिया और जो इंडिया के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बात हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसकी रिगार्डिंग, जो एमएसएमई सेक्टर है जो मीडियम एंड जो अपना भी छोटे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनमें भी साइंस एंड टेक के और डेवलपमेंट के काम हो, क्योंकि हमारे अभी कोई इतना छोटे छोटे उद्योग हैं जो ग्रामीण कोटेज उद्योग हैं उनमें साइंस एंड डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं होता है। तो अगर जब हम इसमें बढ़ाएंगे तो एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बढ़ेगा। तो इसके लिए कौन कौन सी जो एजेंसी है वो इम्प्लीमेंट करिए, वो FICCI है वो इम्प्लीमेंट करिए ऑन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ को में। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज बीन ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस रिसेंटली बाय WTO। ये पूछा था कौन सी कंट्री है, जो मैंने बताया था कि जो जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है उसकी अभी लास्ट कंट्री है जो है तुर्कमेनिस्तान। उसके पहले एक उज्बेकिस्तान था जो अलायंस हो गया था लेकिन 1994 में वापस छोड़ दिया था, और अभी रिसेंटली जुलाई में उसने वापस WTO की मतलब एक मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड MOU विद इंडिया फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेबरहुड फॉर फिश प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये बताया था फिश प्रोसेसिंग प्लांट कौन सा जो पड़ोसी देश है
उसमें वो बनवा इंडिया के साथ से बना रहा है, जो आइलैंड्स में बनवा रहा है, और वहाँ की कम्युनिटी स्तर पर उसका काम किया जाएगा। तो वो देश है मालदीव, ठीक है, जो इंडियन ओशियन में, जो अपने लक्षद्वीप उनके नीचे साइड में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द होप मार्स मिशन फ्रॉम जापान। तो जापान से इसने होप मार्स मिशन अपना लॉन्च किया था, वह है यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना होप मिशन जापान से मार्स के लिए लॉन्च किया था। और अभी इंटरप्लेनेटरी मिशन ताइवान जो कि मार्स के लिए जा रहा था, वो कौन सी कंट्री का भी रिसेंटली लॉन्च किया है, वो चाइना ने भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड नाग नमिका और ध्रुवास्त्र, विच इज एन इट्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका एरियल वर्जन भी आप याद रखना, उसका नाम है नाग हेलिना, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड टेस्ट मिसाइल के जो प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके तहत बनाई गई है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, और अभी हम आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला आया कि बैड लोन में राइज टू 20 ईयर्स हाई ड्यू टू पेंडेमिक। आपको जैसे पता ही है, जैसे कोरोना जैसी बीमारी, ये एक महामारी की तरफ इसको घोषित कर दिया गया है। तो इससे क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट हुआ है तो छोटे उद्योगों पे, इस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि जब वो सब कुछ बंद हो गया, बड़ी कंपनियां तो फिर भी बच जाएंगी, उनका टर्नओवर करोड़ों लाखों अरबों में होता है, जो मिलियंस ट्रिलियंस में होता है इसका। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, क्या उनका कोई, अगर सब कुछ बंद हो गया, तो वो एक तरफ जो उनका लोन लेके जो कंपनियां काम चल रही थी, जब ये सब कुछ पूरा लॉकडाउन हो गया, तो उनका वो क्या खस्ते हालत में चलेगी। अब जब वो कमाई नहीं रही है, तो वो ब्याज और लोन वापस कहाँ से चुकाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है, और इससे क्या है, बैड लोन बढ़ सकता है, जो कि 20 साल में सबसे आएगा। इससे पहले भी हमने एक न्यूज़ में, अपने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो अपने फॉर्मर जो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी ने, उन्होंने भी ये बात बताई थी। उन्होंने भी ये मतलब अपना स्टेटमेंट दिया था कि अभी आने वाले टाइम पे एनपी और बैड लोन बढ़ जाएंगे। तो बैड लोन तो आप जानते हो क्या होता है, कि हमने किसी बैंक से लोन ले लिया और अब हमारी कैपेसिटी नहीं उस लोन को चुकाने में, तो वो बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, कि उसकी जो सीट होती है बैलेंस शीट, उसमें वो एक खाली पड़ा रहता है, उसमें ना इनकम हो रही ना आउटकम हो रही, वो एक खाली पड़ा रहता है, तो ये बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 8.5% था मार्च 2020 में, और अभी राइज होकर ये मार्च 21 तक 12.5, मतलब 12.5% तक इंक्रीज हो जाएगा। और अगर सीवियर कंडीशन रही, अभी भी क्या है पूरी तरह खुला नहीं है चीज़ें, तो वो 14.7% तक भी जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी पे एक फॉल बैक हो सकता है, क्योंकि ये आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो पेंडेमिक है, वो क्या है, जो बैंकों ने जितना भी काम किया था पिछले दिनों में, वो सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। जो बैंक से उन्होंने गेन किया था, एनपीए है ना, एनपीए की जो चीज़ें हैं, और अपनी बैलेंस शीट को सही साफ किया था, लेकिन अभी क्या, पेंडेमिक ने आगे सभी को सब कुछ उल्टा कर दिया है। तो बैड लोन थे 11.5% थे मार्च 2018 में, उसको कम करके 2019 में 9.3 लेके आए, और फिर मार्च 20 में 8.5 लेके आए थे, 8.5 लेके आए थे। लेकिन फिर क्या है, तुरंत क्या है, ये पेंडेमिक शुरू हो गई, तो ये अभी वापस इस स्तर पे बढ़ने लग गया है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, तो आपको जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी का हालत खस्ता हुई है, तो एमएसएमई सेक्टर की हुई है, कि वो थोड़ा ज़्यादा लोन लेते हैं, लाखों में लेते हैं, और वो फिर जब एमएसई वगैरह, जब इंडस्ट्री सेक्टर सब कुछ बंद हो गया, तो वहाँ पर जब कुछ रोजगार नहीं हुआ, कुछ उत्पादन नहीं हुआ, तो वो लोन चुकाने के अभी केपेबल नहीं रहेंगी। तो सबसे ज़्यादा एमएसई का हो गया, फिर इंडिविजुअल्स का हो गया। अब इंडिविजुअल्स का हो गया, कि लोगों ने लोन लेकर रखा था, और फिर उनके क्या काम धंधे बंद हो गए, तो जब उनकी आमदनी का साधन नहीं रहा, तो वो भी एक एनपीए के रूप में आएगा, बैड लोन्स में आएगा, और ऐसे ही कॉरपोरेट में है। तो आप एक बार देख लेना, एनपीए का सवाल आ सकता है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, और एनपीए के कारण क्या है, कि एनपीए कारण कोविड-19 के कारण क्यों बढ़ा, सबसे ज़्यादा सेक्टर एमएससीपी भी क्यों हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे मोटे। नेक्स्ट न्यूज़ जो देखो, ऊपरी ऊपर देखिए कि एक अफ्रीकन जो अभी वायरस है, फिर चाइना से इंडिया में आ चुका है। वो आया है अभी जो सुअर होता है, जो पिग होता है, इनमें आया है। ये है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो आसाम आसाम को हिट किया है, अभी चाइना से ये आया है। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जो बीमारी है, ये अभी रिपोर्ट की गई है कंट्री में, जो भी आसाम में है और अरुणाचल प्रदेश में भी ये इसका खासा असर है। तो ये सितंबर 2019 में क्या है, ये आउटब्रेक हुई थी जो चाइना में पॉपुलेशन में, इसमें जो पिग की पॉपुलेशन है, सॉरी पिग नहीं, पिग है, उसमें सबसे ज़्यादा असर हुआ था, क्योंकि चाइना एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और कंज्यूमर है पोक का, जो इसका जो पोक किसको बोलते हैं, इसके मांस को, सुअर के मांस को पोक बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है और कंज्यूमर है, और वहाँ पर ये बीमारी फैल गई है। जैसे आपको पता है कि जो ये सुअर की जो इंडस्ट्री है,
जो सुअर की मांस की इंडस्ट्री, वो ऑलरेडी आसाम में बहुत बड़ा मेजर सफर कर रही थी, क्योंकि COVID-19 के चलते सब कुछ बंद था। और दूसरी बात, जैसे ये COVID-19 का लॉकडाउन खुला और ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर शुरू हो गया है, तो इसमें क्या है कि 17,000 पिग्स, PIGS, ठीक है, पिग्स आसाम में अभी मर चुके हैं, और 4,500 के लगभग अरुणाचल प्रदेश में अभी तक मर चुके हैं। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। ये अभी तक तो इसमें बताया गया है कि डज नॉट इफेक्ट ह्यूमंस, लेकिन देखो वायरस है, अभी कुछ नहीं बता सकते। वही कोरोना वाली बात, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता रहा है कि ये फैलता नहीं, फैलता नहीं है, और जब पूरे वर्ल्ड में फैल गया ना, और अभी ये अभी धीरे धीरे बताने लग गए हैं कि अभी तो हवा के साथ भी फैल रहा है। तो हम जब तक उसके बारे में जान नहीं सके, वायरस कब अपना चीज़ बदलते, प्रक्रिया बदले, उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक कहा गया है कि ये वायरस ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो पिग्स हैं उनके लिए एक मतलब महामारी है, बहुत बड़ा खतरा है। तो एक ये सीवियर डिजीज है जो कि हेमरोइक फीवर है, जिसमें क्या है, इनमें रक्त स्राव, अंदर ही अंदर खून बहने लग जाता है पिग्स में, ठीक है, और फिर बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी कैच फर्टिलिटी रेट क्या है, 100%, मतलब जिसको हो गया उसको मरना ही है। इसीलिए 17,000 से ज़्यादा आसाम में ये खत्म हो गए। तो याद एक बार याद कर लेना कि जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है कहाँ से इंडिया में हिट हुई, और ये इसका क्या क्या कारण है, और कैसे कैसे ये मतलब फैलती है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन रेलवे टू RFID टैग टू ऑल वैगन्स बाय दिसंबर 2022। मतलब दिसंबर 22 तक जो सारे वैगन है जो उसमें ये RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग सारे वैगन्स में लगा देगी। दिसंबर 2022 में जो भी जो इसका जो मालगाड़ी है उसमें ये वैगन लगा रही, क्योंकि इनको मालगाड़ी में क्या, हमें पता था कि रेलवे क्या फिर जल्दी से जल्दी इसको क्या है आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा वैगन कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ जा रहा है। मतलब अब वैगन्स में क्या जाता है कि टेक्सटाइल कुछ भी इंडस्ट्री से सामान जाता है, तो क्या एक वैगन को अगर यहाँ से दिल्ली से जाना है, कलकत्ता नहीं, दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, कन्याकुमारी जाना है, तो एक मालगाड़ी लेके चलिए अभी, तो कुछ वैगन हो गया उसको रास्ते में दूसरी जगह गुजरात की साइड में अगर मान लो टर्न करना है, ज़्यादा गुजरात में दूसरा टर्न नहीं जा रहा है, तो उसको कहीं स्टेशन पर खोल दिया, फिर उसको गुजरात की तरफ जाने वाली ट्रेन लेके जाएगी। तो ऐसे क्या है, फिर इससे आइडेंटिफिकेशन से पता रह जाएगा कि माल कितने दिन में मतलब कहाँ तक आ चुका है, और कहाँ कितने दिन में ये डिलीवर हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोफिशिएंसी के लिए ये RFID के टैग्स लगाए जा रहे हैं। तो ये क्या ट्रैक करेंगे, वेगन्स को ट्रैक कर लेंगे अभी वेगन कहाँ पे है, तो इसे क्या रियल टाइम विजिबिलिटी हो जाएगी कि वेगन्स कहाँ तक है, जो रेलवे जो नेशनल रेलवे नेटवर्क है उससे की कटिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगी, कि हमें तुरंत तुरंत पता चलता रहेगा अभी ये चीज़ कहाँ पे है। तो ये एक अच्छा अनाउंसमेंट है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम इंडियन रेलवे में यूज़ कर रहे हैं, एक वन ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम। तो याद रख लेना RFID इंडिया जो RFID का टैग्स यूज करे हैं, वो इंडियन रेलवे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज करी है अभी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आज की, RBI साइंस $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर श्रीलंका टिल नवंबर 2022। RBI क्या है, जो करेंसी स्वैप 400 मिलियन डॉलर के करेंसी स्वैप की फैसिलिटी श्रीलंका के लिए 2 नवंबर 2022 तक इन्होंने अलाउ किया है। तो ये एक रिलीफ हो जाएगा श्रीलंका के लिए, जो COVID-19 चलते समय एक बीमारी के चलते उसकी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए। तो ये आगे बताऊंगा करेंसी स्विप क्या है। तो करेंसी स्विप आर द यूज टू ऑब्टेन फॉरेन करेंसी लोन्स एट द बेटर इंटरेस्ट रेट देन कॉपर्स। इसे आपसे कुछ अभी इसको मैं पूरी तरह से बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा इसे। तो RBI रिवाइज जो ये फॉरेन करेंसी, इसमें नहीं आ रहा है फॉरेन करेंसी स्वेप प्रोग्राम अरेंजमेंट, और सार्क कंट्रीज जो भी सार्क कंट्रीज है उनके लिए भी इसने भी ये अरेंजमेंट क्या है इसको रिवाइज किया है टिल 2022 तक, है ना। तो हम इसको एक उदाहरण के साथ देखते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। जैसे ये हो गया रिलायंस की एक कंपनी है जो इंडिया की है, ठीक है, हम करेंसी स्वैप देखते हैं क्या होता है। और ये कंट्री ये हो गई एक अमेरिका की एक कंपनी हो गई, ठीक है, और इसकी सब्सिडी, ठीक है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है, तो अमेरिका की सब्सिडरी कंट्री होगी AA, ठीक है, और ये होगी II। अब इस ये जो इंडिया की कंपनी है इसको यहाँ अमेरिका में लोन लेना है, ठीक है, और इसको डॉलर में लोन लेना है। तो अमेरिका की इस इंडिया की कंपनी को मान लो चाहिए आज एक डॉलर बराबर है कितना, 10 रुपया, ठीक है, तो इसको चाहिए 1,000 रुपये, 1,000 रुपये चाहिए इंडिया की कंपनी को, 1,000 रुपये, 1,000 डॉलर चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको कितना चाहिए, अमेरिका की कंपनी को इंडिया में कितना चाहिए, 100 रुपया चाहिए, नहीं 1,000 डॉलर हो गया, सॉरी इसको उल्टा कर, 1,000 डॉलर हो गया, तो 1,000 को 10 से गुणा कर लिया, 10,000 रुपये चाहिए, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इंडिया की कंपनी को अमेरिका में 1,000 डॉलर चाहिए, और अमेरिका की कंपनी को इंडिया में 10,000 रुपये चाहिए। तो अभी क्या होगा,
अमेरिकाई कंपनी को अमेरिका में, जैसे एक अमेरिकाई कंपनी है वहाँ पे, वेल रिप्यूटेड कंपनी है, अगर वो वहाँ पे लोन लेती है तो उसको डॉलर पे 5% ब्याज पे उसको रुपया मिल जाता है वहाँ पे डॉलर में, ठीक है। और अगर ये इंडिया की कंपनी वहाँ पे लेती है तो उसको 10% ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। उसे वैसे ही अभी अमेरिका की कंपनी है वो अगर यहाँ पे इंडिया में लोन ले रही है 10,000 रुपये, तो उसको कितने में मिलेगा? 5% में मिलेगा। और इंडिया की कंपनी अगर ले रही है इंडिया में ही, तो उसको 10% में मिलेगा, और अमेरिका वाली को 10% में मिलेगा, और इंडिया वाली को 5% में मिलेगा। तो अब इससे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे लोन लेंगे तो ये इंडिया वाली को अमेरिका में भारी लोन देना पड़ेगा, क्योंकि भारी रुपए देने पड़ेंगे, उसको 10% से देना पड़ेगा, और अमेरिका वाली इंडिया में अगर लोन लेती है तो उसको 10% इधर देना पड़ेगा। तो ये दोनों कंपनियाँ क्या करेंगी, ये इस कंपनी को कहेगी तू लोन अपने पैसे से उधर ले ले, मतलब ये $1,000 ले लेगी 5% के इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये लोन ले लेगी, और अमेरिका वाली कहेगी इंडिया को कि आप लोन ले लीजिए इंडिया में, तो ये क्या ले लेगी, 10,000 रुपये का लोन ले लेगी और 5% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो इंडिया ने ले लिया, यहाँ 10,000 रुपये ले लिए 5% इंटरेस्ट रेट पे, और अमेरिका वाली ने ले लिया अमेरिका में कितना, 5% इंटरेस्ट पे 1,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, जो अपना करेंसी स्वैप कर लेंगी, ये कंपनी इससे रुपये यहाँ के ले लेगी, और ये 10,000 रुपये है ये अपने यहाँ पे लगा देगी, तो इसको 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ जाएगा, ठीक है। और इधर इंडिया वाली क्या करेगी, यहाँ पे जाके जो अपनी दूसरी जो कंपनी सब्सिडी कंपनी उसको भी $1,000 दिलवा देगी, और इसको यहाँ पे 5% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वरना अगर ये दूसरी वहाँ पे अमेरिका में जाके खुद अगर लोन लेती तो इसको 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता, और वैसे ही अमेरिका की जो कंपनी थी उसको यहाँ पे इंडिया में 10% इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये करेंसी स्वैप हो गया, दोनों कंपनियाँ ही क्या हुआ कि लोग भारी लोन देने से बच गई, और इससे करेंसी स्वैप ये हो जाएगा कि अगर इनका रुपयों का ट्रांसफर नहीं हुआ सस्ते लोन में, तो इससे क्या होगा, जो जो FII है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक जो कार्ड जो स्वेप होता है ना उसमें ये मतलब बच जाएंगे। तो ये एक आपको अच्छा एक उदाहरण दिया था ऐसे, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कल भी डिटेल में एक उदाहरण के साथ और समझा दूंगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अभी कौन सी देश है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में तो भाग लिया है, तो ये आप बताइए। हमारी कल परसों की न्यूज़ में ये कवर हो चुका है, तो इतना बता सकता हूँ नॉर्थ अमेरिका एक कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। एंड विच कंट्री हैज़ कोलेबरेटेड विद इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा टेस्ट किट, जो कौन सी कंट्री है जो इंडिया के साथ कोलेबरेट कर रही है COVID-19 के अल्ट्रा रेपिड टेस्ट किट के लिए, तो दोनों के डिफेंस सेक्टर ने कोलेबरेट किया, ये भी बता देता हूँ, और थोड़ा सा और हिंट और देता हूँ, 6 Day War में भी ये कंपनी जो ये देश था वो उसने हिस्सा लिया था। टू विच ऑर्गेनाइजेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड पेन डाटा टू एक्वायर कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश नहीं, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और चेकिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सी ऐसे जो एजेंसी है उसको अपने जो पेन कार्ड है वो दे रही है, ताकि जो कैश ट्रांजेक्शन है 10 लाख से ऊपर का वो बैंकों से ले सके, और जो अगर सस्पिशियस कुछ लगता है तो जाके मतलब एजेंसियों को बताए, तो वो कौन सी एजेंसी है जिसको ये इनकम टैक्स जो पेन कार्ड का डाटा प्रोवाइड करवा रही है। रन फॉर मून मैराथन किसके लिए थी, जो रन फॉर मून मैराथन हुई थी वो किसके लिए थी, रुपये मतलब इकट्ठे करने थे, लेकिन क्या पर्पज था आप बताना थोड़ा सा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट पब्लिक ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा वाज इनोग्रेटेड, देखना मैं फिर एम्फसिस कर रहा हूँ कि पब्लिक ईवी है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे मतलब इनोग्रेटेड किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियाज नेवी हैज कंडक्टेड पास्ट एक्सरसाइज विथ यूएस नेवी, यूएस नेवी के साथ अभी क्या हुआ, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, जब यूएस की नेवी कहाँ से साउथ चाइना सी से वापस इधर आ रही थी, तो बहुत दिनों से टेंशन चल रही थी साउथ चाइना सी में, तो यूएस नेवी ने अपने कुछ जहाज जो बड़े बड़े जहाज हैं उनको क्या कैरियर्स को साउथ चाइना सी में डिप्लॉय कर रखा था, जब वो वापस ऑन द वे थे तो उन्होंने आज जाते समय पास्ट एक्सरसाइज इनोग्रेट करी की इंडिया के साथ। तो वो पास्ट एक्सरसाइज कौन से आइलैंड कहाँ पे हुई, कौन से आइलैंड के पास हुई, और तथा उस नेवल कैरियर जो यूएस का नेवल कैरियर था जिसने पास एक्सरसाइज की उसका नाम बताना है। नेक्स्ट न्यूज है, सोलर ऑर्बिटर मिशन इज पार्टनरशिप ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी, सोलर ऑर्बिटर मिशन कौन सी दो स्पेस एजेंसियों का पार्टनरशिप में काम कर रहा है, क्योंकि ये भी न्यूज में है, क्योंकि इसने अभी क्लोज जो सोलर सूर्य की जो क्लोज से क्लोज फोटो ली है उसके बारे में, जो सूर्य के ऊपर जो भी जो बवंडर आते हैं एक तरह के जो विस्फोट होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, तो ये मिशन कौन कौन सी दो एजेंसी स्पेस एजेंसियों के बीच साथ में पार्टनरशिप में है। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपोड स्पेसिस नेम्ड, जो फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपोड है जो समुद्र में रहने वाला एक जीव है,
कॉकरोच टाइप का, उसका एक नाम कॉकरोच भी है बता देता हूँ आपको, तो उसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम बताना है। और ये भी बता देता हूँ कि ये जो इंडोनेशिया के जो साउथ जकार्ता सी में पाया गया है, तो इतना आपको हिंट दे दिया, आप तो अब बता सकते हो। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, skventure.blogspot.com पे आपको पूरी न्यूज़ का PDF मिल जाएगा, जिसको लास्ट में जो ब्लॉग के नीचे में लास्ट में डाउनलोड PDF हियर एक वर्ड होगा, वहाँ पर मिलेगा। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे।